एक महीना यहाँ रात्रि नहीं हुई, एक महीने का एक ही दिन हो गया था, ये वही जगह है। सूर्योदय होने के पहले अगर आप ला करके जो है वहाँ का जो सोना चांदी जवाहरात है अगर आप ला करके अपने मंदिर अपने महल में धर लेंगे तब तो ठीक है, अगर नहीं धरेंगे तो फिर वो पूरा खराब हो जाएगा। दोस्तों इस समय मैं हूँ सूर्यकुंड एरिया में, और सूर्यकुंड एरिया वो एरिया अयोध्या का वो जगह कही जाती है जहाँ के लिए कहानी है कि जो यहाँ के राजा थे राजा दर्शन सिंह जी, तो उनको सपने में सूर्यदेव ने दर्शन दिए और उनको बताया कि इस जगह पे बहुत सारा खजाना दबा हुआ है और इसकी खुदाई की जाए। तो जब राजा दर्शन सिंह ने सुबह यहाँ पे सारी खुदाई करवाई तो वहाँ पे बहुत सारा खजाना निकला, लेकिन साथ ही सूर्यदेव ने ये भी बोला था कि वो खजाना रातों रात यहाँ से निकाल लेना है, उनको दिन नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने जब रात में यहाँ का खजाना निकालना शुरू किया तो सुबह सूर्योदय से पहले जितना भी खजाना निकाल पाए वो तो उन्होंने अपने महल में पहुंचा दिया, लेकिन जो खजाना रह गया था गाड़ियों में भी लदा हुआ रह गया था वो सारा का सारा राख बन गया, सारा खजाना गायब हो गया। लेकिन सूर्यदेव ने साथ में ये भी बाद में बोला था कि जब ये खजाना निकाल लेंगे तो इसी जगह पर वो एक सूर्यकुंड बनवाएंगे और इस कुंड को वो सूर्यदेव का नाम देंगे, यानी कि सूर्यकुंड नाम देंगे। तो तब से ये सूर्यकुंड यहीं पर बना हुआ है और ये पूरा एरिया आप देखिए अभी भी इसमें निर्माण कार्य चल ही रहा है, और ये हमारे सूर्य भगवान के नाम पे ये शिव जी का यहाँ पे स्थापित किया गया है और इन शिव जी को नाम दिया गया सुरेश्वर नाथ धाम। तो ये सुरेश्वर नाथ जी हैं, इनके दर्शन हम आपको अभी कराते हैं और इस पूरे एरिया के दर्शन, इस पूरे कुंड के दर्शन, और यहाँ का बहुत ही अच्छा आध्यात्मिक सा माहौल लग रहा है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। बहुत दूर दूर तक के एरिया में कुंड फैला हुआ, आप देखिए इतने बड़े कुंड में अगर खजाना निकाला गया होगा तो कितना खजाना निकला होगा उस टाइम पर। तो चलिए आपको कराते हैं सूर्य कुंड के दर्शन और आपको कराते हैं शिव जी के दर्शन। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या और अयोध्या का ये जो सूर्य कुंड है ये प्राचीन काल में घोषार्क तीर्थ के नाम से जाना जाता था। तो आज हम आपको इस तीर्थ के दर्शन कराने आए हैं, सूर्य कुंड पर पहुंचे हैं और सामने ही देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है, प्रेम में गाय का जोड़ा कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्रेम में खड़े हुए दोनों। तो दोस्तों इस घोषार्क तीर्थ का जो प्रमाण है वो डच इतिहासकार हंस बेकर की पुस्तक अयोध्या से मिलता है। घोषार्क तीर्थ का वर्णन स्कंद पुराण में भी है। स्कंद पुराण के अनुसार ये तीर्थ स्थल सभी पापों का नाश करने वाला है। घोषार्क तीर्थ की महिमा सूर्य मंदिर तथा कुंड स्नान के लिए आदिकाल से ही प्रसिद्ध रहा है और सूर्य कुंड मंदिर के निर्माण का श्रेय अयोध्या के तत्कालीन शाक द्वीपीय ब्राह्मण राजा दर्शन सिंह को जाता है। उन्होंने 19वीं सदी के पूर्व काल में भव्य सूर्यकुंड का निर्माण करवाया था और नवीन नगर की स्थापना की जो कि उन्हीं के नाम पर दर्शन नगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस तरह से इस सूर्यकुंड की महिमा बहुत ही अद्भुत है और इससे जुड़ी हुई कहानियां हम आगे आपको सुनवाएंगे और पंडित जी के मुंह से सुनवाएंगे, जिसे सुन के आप बहुत ही भाव विभोर उठेंगे। और फिलहाल तो हम थोड़ा सा अपनी मछलियों को और थोड़ा सा गाय को खिलाकर बढ़ते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं आपको मंदिर के अंदर का नजारा। साथियों अयोध्या के आसपास के जो भी पौराणिक स्थल है उनको विकसित किया जा रहा है और उसमें सबसे पहले सूर्यकुंड का नंबर है। और जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर कार्य चल रहा था, लेकिन अब बताया जाता है कि काफ़ी हद तक कार्य वहाँ पर पूरा हो चुका है। तो देखिए कार्य कितनी तेज़ी से यहाँ पर चल रहा है और यहाँ के जो नगर आयुक्त विशाल सिंह हैं उन्होंने दावा किया है कि इस बहुत ही सुंदर बन के तैयार होगा हमारा ये मंदिर, जो होगा बहुत ही अच्छा बनेगा। और अब हम आपको दर्शन कराएंगे साथियों सूर्येश्वर महादेव के और उसके बाद हम कराएंगे बहुत ही प्राचीन शिवलिंग जो यहाँ का है उसके दर्शन कराएंगे और अंत में हम आपको सूर्यदेव भगवान का जो मुख्य गर्भगृह है ऊपर जो मुख्य मंदिर है सूर्यदेव जी का उसके दर्शन कराएंगे। तो चलिए पहले चलते हैं सूर्येश्वर महादेव के पास।
और मंदिर के बाहर बैठे हैं हमारे गोरे और काले दोनों तरीके के नंदी बाबा। ये देखिए दोनों नंदी बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं और ओम लिखा हुआ है नंदी बाबा के ऊपर। बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाई हुई हैं और अब लगाते हैं जरा एक परिक्रमा इस मंदिर की और फिर हम आपको कराएंगे सबसे प्राचीन जो यहाँ का शिवलिंग है उनके दर्शन कराएंगे और वहाँ के पुजारी जी से यहाँ के बारे में जुड़ी हुई सारी पौराणिक कहानी जो भी है वो सारा कुछ जानेंगे। तो चलिए एक परिक्रमा करने के बाद हम पहुँचेंगे शिवलिंग की तरफ और देखिए यहाँ पे चारों तरफ कितनी सुंदर सुंदर तस्वीरें बनाई हुई हैं हनुमान जी की, माता रानी की। और ये पिछला हिस्सा है शिवलिंग का जहाँ पे जड़ चढ़ाया हुआ जल और जो भी हम चढ़ाते हैं वो सब नीचे से निकल के बाहर आता है, तो ये वो हिस्सा है। तो कहते हैं कि इसको पार नहीं किया जाता इसलिए हम यहाँ से थोड़ा सा वापस मुड़ के जाएंगे और आपको लेके चलेंगे शिवलिंग की तरफ। और देखिए यहाँ पे एक ये कोई व्यक्ति है जो जमीन पर ऐसे ही घूमे जा रहा है, शायद थोड़ा सा इसके दिमाग की कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे। और देखिए थोड़ा सा आगे जाने पर यहाँ पर कुछ हवन का जो जलाते हैं ना उपले वो जले हुए रखे हुए हैं, ये रखे। और रास्ते में सामने ही हमें एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है, शायद काली माता है, हनुमान जी की फोटो जो है यहाँ पे बहुत ही सुंदर है। और अब हम आपको लेके चल रहे हैं सीधा शिवलिंग जो बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है उसकी तरफ। ये जो ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा सीढ़ियों से ये जा रहा है सूर्यदेव भगवान की तरफ, उधर हम बाद में आपको दिखाएंगे, पहले हम चलेंगे शिव जी की तरफ और उसके बाद वापसी में हम आपको सूर्यदेव का मंदिर अंत में दिखाते हुए वापस ले जाएंगे। ये 350 वर्ष पुराना है। अच्छा। ये मंदिर ऊपर का मंदिर, ये सागर, ये अयोध्या राजा यहाँ पर शिकार खेलने के लिए आए थे। अच्छा। इनके खानदान के दर्शन नाम था, दर्शन नाम था। हाँ, उन्हीं के नाम से दर्शन नगर रेलवे स्टेशन है, ये दर्शन नगर बाजार है। हाँ। तो ये 350 वर्ष पुराना है। राजा दर्शन यहाँ पर, ये बहुत बड़ा जंगल था 52 बीघा का, तो उस जंगल में एक छोटा सा गड्ढा था, गड्ढे में गंदा जल था। राजा साहब शिकार खेलने के लिए आए थे, शिकार खेलते समय राजा साहब को जल की आवश्यकता पड़ी, नौकर से बोले जल ले आइए। आज का ज़माना है जगह जगह बोर है, पानी है, पहले ये सब नहीं था, ये कुआँ था और तालाब पोखरा यही सब था। वो गंदा जल ले जा करके राजा साहब को दिया। राजा साहब के शरीर में सफ़ेद दाग था जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं, वो जल जहाँ जहाँ लगा उनका शरीर सुगरम हो गया। शिकार खेल करके जब अपने राज सदन को गए तो सूर्य नारायण भगवान सपना दिखलाया, देखिए ये पूरब दिशा है, पूरब दिशा में घाट नहीं बना है, उत्तर घाट है, दक्षिण घाट है, पश्चिम तीन दिशा में घाट है, 12 घाट है। अच्छा। घाट 12 है, इसी में 12 घाट बना है। 12 घाट बना है, वो रानी घाट है। अच्छा। सूर्य भगवान का 12 नाम भी है। आपके रामायण तो उत्तर दिशा में क्यों नहीं बनाया? उत्तर नहीं, पूरब दिशा में। हाँ, पूरब में क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया कि यात्री आएंगे, स्नान करेंगे, जल मार्जन करेंगे तो सूर्य भगवान पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा। इसलिए नहीं बनवाया गया। हाँ। ये उधर देखिए, उधर घाट नहीं बना है, वो रानी घाट है। हाँ देखिए, यहाँ पे नहीं बना। हाँ, ये पूरब दिशा, इधर भगवान उदय होते हैं। हाँ, इधर नहीं बनाया, और बाकी जगह बनाया, बाकी। हाँ, आपके रामायण बालकांड में लिखा है, मास दिवस को दिवस भयो मरम न जाना को, रथ समेत रथ ठाकुर निशा कौन विद हो। ये पौराणिक स्थल है, ऐतिहासिक है, 350 वर्ष पुराना है। ये एक बार ये ध्वस्त हो चुका था, एक बार राज्य सरकार बनवाया, फिर केंद्र सरकार लगी, अब योगी बाबा का हाथ लगा है, इसका जीर्णोद्धार हो रहा है। भाई योगी जी लग गए हैं तो वो कुछ ना कुछ तो इसमें चमत्कार करेंगे। जब राम जी का जन्म हुआ था, बिल्कुल जब राम जी का जन्म हुआ था तो उनके बाल रूप का दर्शन करने के लिए सूर्य नारायण भगवान अपना आकाश मार्ग छोड़ करके यहीं पर एक महीना यहाँ रात्रि नहीं हुई, एक महीने का ये कहीं दिन हो गया था, ये वही जगह है। ओहो, अच्छा। एकदम ऐलान हो रहा है बालकांड रामायण में लिखा है। हाँ। मास दिवस को दिवस भयो। हाँ। मास कहते हैं महीने को, एक दिवस का, एक महीने का एक दिन हो गया, तब सूर्य देवता यहीं पे रहे, यहीं पर उनका रथ चक्कर लगाता रह गया। जय भाई, बहुत बढ़िया। अभी ये सारा निर्माणाधीन चल रहा है ना, सब निर्माण कार्य चल रहा है।
और साथियों जैसे कि पूरे मंदिर का ही निर्माण कार्य चल रहा है, तो इस स्थान का भी जहाँ पे शिवलिंग है और बहुत सारी मूर्तियां हैं आसपास, यहाँ का भी निर्माण कार्य चल रहा है। देखिए जैसे आपको दिखाई दे रहा है, सारा डंडे और बांस वगैरह सब बांधे हुए हैं, तो काम यहाँ पे चल रहा है। और इस मंदिर के बिल्कुल बाहर ही कुंड के बिल्कुल किनारे पर एक और शिव जी का शिवलिंग बना हुआ है, मतलब बहुत सुंदर मंदिर सा बनाया हुआ, लेकिन वो एक चबूतरे पर ही है किनारे पे, तो वो कुंड के किनारे बना हुआ और सूर्य की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चलिए अब यहाँ से बाहर निकल के आपको उस वाले शिवलिंग के भी दर्शन कराते हैं, फिर सूर्यदेव के दर्शन कराएंगे। साथियों भादो शुक्ल षष्ठी तिथि के बाद जो रविवार पड़ता है उसको महा रविवार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को बड़ा रविवार के रूप में भी जाना जाता है और पौराणिक सूर्यकुंड मंदिर में इस दिन मेले का आयोजन किया जाता है। रविवार को मेले में अंबेडकर नगर, आजमगढ़ से लेकर बाराबंकी, गोंडा के नवाबगंज बाजार सहित दूर दराज से आए श्रद्धालु जो है वो सूर्यकुंड में पवित्र सरोवर में डुबकी लगाते हैं और सूर्यदेव का दर्शन करते हैं। तो हम भी पहुंच गए हैं सूर्यदेव मंदिर के बिल्कुल बाहर और अब हम आपको कराएंगे सूर्यदेव के दर्शन। और जिनके दर्शन पूजन करने से कहते हैं कि सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और सूर्यदेव की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है, तो अब हम आपको लेकर चल रहे हैं उन सूर्यदेव के मंदिर के सामने। बिल्कुल हम पहुंचे हैं और अब आपको हम दर्शन कराते हैं सूर्यदेव जी के। तो चलिए चलते हैं अंदर। सूर्य भगवान रिलेटेड है और ये राजा दशरथ सिंह थे जो है अयोध्या राजा जी, उनके द्वारा जो है स्थापित है। और कुछ ऐसा था कि उनको सपने में सूर्यदेव आए थे, हाँ, तो उन्होंने कहा था यहाँ पे कुछ खजाना, ऐसी कुछ कहानी, हाँ, थी ना। हाँ ऐसा है, हाँ। मतलब ये हुआ था कि अगर सुबह सूर्योदय होने के पहले अगर आप ला करके जो है वहाँ का जो सोना चांदी जवाहरात है अगर आप ला करके अपने मंदिर अपने महल में धर लेंगे तब तो ठीक है, अगर नहीं धरेंगे तो फिर वो पूरा खराब हो जाएगा पूरा। तो वही सूर्योदय के पहले रात्रि में ही अपने सेनाओं के साथ जो है सब लेके राजा साहब अयोध्या चलेंगे। तो चलिए साथियों कुंड के पास में चलते हैं, आपको थोड़ा पास से जल के दर्शन भी कराते हैं और हम भी जरा आचमन करते हैं, इस जल को पवित्र जल को स्पर्श भी करते हैं और फिर हम निकलेंगे मंदिर से बाहर। राम जी के राम, भरत जी के राम, लक्ष्मण जी के राम, कर्पूर जी के राम, जानकी जी का बोलिए।